भाई देखिए, कल देवोलीना घर से बाहर हो चुकी है। एजाज खान का सफर खत्म हो चुका है बिग बॉस के घर में। ऐसे में उनके फैंस का क्या कहना है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं हूं रिदम ठाकुर, स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल बिग बॉस के घर में कल देवोलीना का एडिशन हो चुका है। फाइनली एजाज खान की जो जर्नी है वो खत्म हो चुकी है। यहां पर आपको बता दूं कि फैंस जो है वो काफी ज्यादा खफा है, क्योंकि 106 दिन की जो जर्नी एक्चुअली में जी थी यहाँ पर एजाज खान ने, तो हर कोई फैंस ये चाहता था कि बिग बॉस के टॉप 3 फाइनलिस्ट में कम से कम एजाज खान को पहुंचना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। मिड में ही कहीं ना कहीं एजाज को काम आ गया और उनको जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने प्रोमिसेस जो थे, उन्हें अपनी काम को जो था वो पूरा करना था। ऐसे में देवोलीना को एंटर किया गया और देवोलीना ने जो जिस नाम के साथ में उन्होंने खेला है वो उस तरीके से नहीं खेल पाए कि जिस तरीके से एजाज खान खेलते थे। और यही एक कारण रहा जिसकी वजह से देवोलीना को किसी ने भी पसंद नहीं किया बिग बॉस के घर के बाहर, यानी कि ऑडियंस ने उन्हें पसंद नहीं किया और उन्हें सबसे कम वोट्स देकर बिग बॉस के घर से एविक्ट कर दिया गया है। अब ऐसे में यहां पर हर कोई यही कह रहा है कि अगर एजाज खान होते बिग बॉस के घर में तो आज के समय में टॉप 3 फाइनलिस्ट में उनका भी नाम होता। तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, आप क्या इस बात से अग्री करते हैं या नहीं, वेल राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बिग बॉस की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।